संघर्ष वह मध्यम नशा है जिसमें डूबकर इंसान जिंदगी के पैमाने को होठों से लगाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन इसी प्रकार की किसी कहानी के बारे में बात करेंगे। संघर्ष करना चाहते हैं सभी, आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु कुछ तो ऐसा है जो हमें पीछे धकेल देता है। अपने उसी डर को खत्म करना है। एक बार एक राजा को किसी शिकारी ने दो बाज के बच्चे भेंट किए। अब राजा ने जैसे ही बाज के बच्चों को देखा, बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे भी जीवों से बड़ा प्रेम था और बाज उसे बहुत ज्यादा प्रिय थे। उसने एक किसी व्यक्ति को बुलाया और उसको दोनों बच्चे सौंप दिए और उससे कहा कि बाज की अच्छे से खातिरदारी की जाए, उसका अच्छे से पालन पोषण किया जाए। काफी दिनों बाद राजा ने सोचा कि बाज के जो दोनों बच्चे थे वो काफी बड़े हो चुके होंगे, मुझे देखना चाहिए। राजा बड़ा खुश होकर उस व्यक्ति के पास गया जिसको उसने बाज के दोनों बच्चे सौंपे थे। और राजा जैसे ही जाकर देखता है तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि बाज के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। राजा हर्षित होता हुआ और उसी व्यक्ति को बुलाकर कहता है कि मैं अब इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, क्योंकि बाज एक ऐसा पक्षी है जो उड़ान के लिए ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि आप इन्हें उड़ाइए, मैं उड़ान देखना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने राजा के कहते ही उन दोनों को इशारा किया और जैसे ही इशारा मिला, दोनों बाज ने उड़ान भरी और देखते ही देखते एक बाज आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा तो दूसरा बाज थोड़ा ऊपर जाकर वापस उसी टहनी पर आकर बैठ गया। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, जबकि एक बाज इतना ऊपर उड़ रहा है तो दूसरा वापस आकर क्यों बैठ गया? तो उस व्यक्ति ने बताया कि राजा साहब, इसका इसी प्रकार का व्यवहार है, पता नहीं क्यों ये ऊपर जाता है, उड़ान भरता है, परंतु वापस इसी टहनी पर आकर बैठ जाता है। अब राजा वापस महल आ गया और वो अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाएगा ये भी दूसरे बाज की तरह उड़ान भरेगा, इस प्रकार से उसे बना देगा तो मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। जैसे ही राज्य भर में ये बात फैली तो उन सब लोगों में एक किसान व्यक्ति था, वह आगे आया और उसने राजा से दोनों बाज के बच्चों को मांगा। राजा ने दोनों बच्चे उसे सौंप दिए और यूं कहा कि मैं इसको आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहता हूं। किसान ले गया और थोड़े दिनों बाद राजा उसी किसान के पास जाकर कहता है कि क्या हुआ, कुछ प्रगति हुई? तो किसान ने उन दोनों बाजों को उड़ने का इशारा किया और देखते देखते दोनों बाज एक से एक आगे बढ़ने लगे, दोनों आसमान की ऊंचाइयां छूने लगे। राजा उस किसान को लेकर महल में आए और राजा ने कहा कि तुमने वो किया है जो मैं चाहता था और तुमने वो किया है जो एक विद्वान और एक बड़ा व्यक्ति, पक्षियों को पालने वाला व्यक्ति भी नहीं कर पाया। राजा ने पूरा इनाम उस किसान को दिया और इनाम देते हुए उसे कहा कि अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने ये किया कैसे। किसान ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया कि राजा साहब, मैं विद्वान नहीं हूं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर अपने पीछे आने के मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाए तो शायद पीछे आने की संभावना खत्म हो सकती है। और किसान ने सीधा सा जवाब दिया कि जिस टहनी पर ये बाज वापस आकर बैठता था, मैंने सिर्फ इतना किया कि उस टहनी को काट दिया। अब बाज के पास पीछे आने की संभावना नहीं थी। हम नहीं पहचान सकते अपनी उस संभावना को जो हमें पीछे धकेलती है। क्या हम उस अवगुण को, उस डर का पता नहीं लगा सकते जो हमें पीछे धकेलती है? हमें एक ही प्रयास करना है, अपने उस अवगुण, अपने उस डर को पहचानना है और अपने पीछे आने के उस मार्ग को अवरुद्ध करना है। जैसे ही हम पीछे जाने का मार्ग बंद कर देंगे, वैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक बार हनुमान जी किसी महान पुरुष से मिले और उनसे पूछा कि मैं बहुत ज्ञानी बनना चाहता हूं, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तो किसी ने यूं कह दिया कि सूर्य से जाकर मिलिए, यदि आप सूर्य से शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे।
हनुमान जी सूर्य के पास चले गए और सूर्य ने कहा कि मेरे से कैसे कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मैं तो चलायमान हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, आप चलायमान रहिए, मैं आपके आगे और उल्टे पांव चलूंगा, आप मेरे सामने से आइए और मैं चलता जाऊंगा, आप भी चलते रहिए, चलायमान रहिए और मुझे ज्ञान दीजिए। अर्थात हम जब सूर्य से आगे चलेंगे और अपने पीछे जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पहचानिए अपने आप को। धन्यवाद।